हेलो एवरीवन, जेईई मेंस 2020 शिफ्ट वन का पेपर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अच्छी बात है, पेपर हो भी रहे हैं। और जैसा आपको याद हो, आप नहीं तो सबसे पहले एक काम करना, इस पेपर के पहले मैंने ऑल द बेस्ट सेशन में एक ही बात बोली थी कि इस बार बहुत चांसेस है कि एनसीईआरटी बेस्ड पेपर, सिंपल पेपर आएगा। बिल्कुल वैसे ही था, अगर प्रॉपरली तरीके से किया जाता तो बहुत अच्छे स्कोर कर सकते थे, और आई होप आपने किए भी होंगे। तो काफी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के स्टैंडर्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन थे, तो मैं आपके साथ ये पेपर डिस्कस कर रहा हूं। मेमोरी बेस्ड है तो मैं अपनी तरफ से कोशिश ये करूंगा, और जो मेरे पास आए वो डेटा करेक्ट हो, पर हो सकता है कोई करेक्शन हो, इज डिफरेंट थिंग। पर आपको एक अप्रोच डेवलप होगी। इसके दो एडवांटेज हैं, जो आने वाले दिनों में जेईई मेंस देने वाले हैं उनको भी एक आइडिया मिलेगा, और जो नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं उनको भी पढ़ने में क्या चेंज लाना है वो समझना जरूरी है। अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो मुझे लगता है 90+ अगर किसी का भी स्कोर हो रहा है पीसीए मिला के, तो डेफिनेटली वो कट ऑफ को क्लियर कर लेगा। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि किस टेक्निक से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे देखिए क्या होता है, क्वेश्चन को अगर आप समझेंगे, सिंपल तरीका क्या हो सकता है क्वेश्चन का वो सीखना है। फाइंड द लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1 3/2, 2 टू द प्लेन 2x-2y+4z+5=0। सबसे पहले तो आप समझिए कि क्वेश्चन में यह बोला है कि इस पॉइंट से अगर इस पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये एक लेंथ बतानी है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, ना। फाइंड द लेंथ एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इस क्वेश्चन को अगर आप लॉजिक से देखें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना था, आप सिंगल स्टेप में कर सकते हैं। सबसे पहले सारों की लेंथ दी है √6, इसका मतलब लेंथ तो √6 है, यानी पीएम की लेंथ तो √6 है। अब रहा सवाल कि क्या हो सकता है, तो इस प्लेन पर इस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लूं तो रूट होना चाहिए, क्योंकि बोला ना फाइंड द लेंथ एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। तो हम एक काम कर सकते हैं कि इस पॉइंट से देखें डिस्टेंस कितना आएगा। अगर ऑप्शन ए को देखेंगे आप तो 1 + 3 + 5 8/2 4, √5 नहीं है, मतलब यह आंसर कट। ठीक है, इस पर आए आप तो इसके साथ क्या होगा, 1 + 5 - 3 2/2 1 + 4, ये √6 है, इसके चांसेस हैं। जब आप ऑप्शन से करो तो ये मत देखो कभी भी कि राइट कौन सा, पहले रॉन्ग देखो। आप जैसे इसके साथ करोगे 1 - 1 0, ये बचेगा 1, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 4 + 1 ये भी रिजेक्ट हो गया, और लास्ट वन पे जाएं हम तो लास्ट वन भी 1 से 1 0 हो जाएगा, और 5 + 3 8 हो जाएगा तो 4 है ना, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1, ये भी नहीं है। यानी आपने बिना किसी एफर्ट के आंसर दे दिया, किस लॉजिकल सोच के साथ। और मैं इसलिए आपसे हमेशा बोलता हूं, मैंने पढ़ाने का तरीका भी हमेशा रखा है, कंसेप्ट विथ लॉजिक, कंसेप्ट विथ लॉजिक। इतना अच्छा तरीका है पढ़ाई का कि आप बहुत कम समय में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप देखिए आपका क्वेश्चन हो गया, फिर भी डाउट है आप ऑप्शन में रख लो, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू रखना है -2 × 5/2 + 0 + 5, देखिए 0 = 0। यानी आपके पास कितने तरीके थे। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप मेथड से करोगे तो फिर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। कैसे कि आप डायरेक्शन रेशो निकालोगे, डायरेक्शन रेशो का डॉट मल्टीप्लाई करोगे, फिर आंसर दोगे, आपने क्वेश्चन आराम से कर लिया। तो मेथड तो आपको पता है कि क्या करना है, पर कैसे एग्जाम में शॉर्ट किया जा सकता है वो तो मैं इस पेपर को बहुत डिफरेंट अप्रोच के साथ आपको करवाऊंगा। आप खुद भी सोचेंगे कि हाँ ये भी एक तरीका हो सकता है, बहुत लॉजिकल कंसेप्चुअल तरीका है। तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया। एक बार फिर बता दूं कि इस पर जो भी पॉइंट होंगे नंबर वन वो सेटिस्फाई भी कर रहे होंगे, एक बात, किसको, इस इक्वेशन को। दूसरा, उस पॉइंट से ये गिवन पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो मुझे √6 चाहिए था, और सभी का डिस्टेंस √6 था, ये फायदा उठा लिया, नहीं तो हम कोई दिक्कत नहीं थी, हम इसको स्ट्रेट, मतलब ये पीएम है, हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते थे, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का इसके साथ प्लेन के साथ जो नॉर्मल होता है उसका डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, 0 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन काफी सारे थे, पर ये सबसे सिंपल तरीका था करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपने आई थिंक डेफिनेटली देखा होगा, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमम बोला है, हो सकता है मेरे पास करस्पॉन्डिंग ऑप्शन वो वाले नहीं हो। तो सबसे पहले तो डिग्री 4 है, तो ऑब्वियसली डिग्री 4 का अगर रूट निकालेंगे तो 3 मिल सकता है, तो इसका आंसर 4 तो होगा नहीं। आप डिफ्रेंशिएट करके भी देख लें तो क्या आएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो -3x³
माइनस 24 एक्स स्क्वायर, टू कैन, यहां पर 45 बाय 2 है, ये एक्स स्क्वायर होगा बेटा। ऐसी मिस्टेक हो सकती है जो मैं आपसे बोल रहा हूं, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा यहां पर माइनस का 45 एक्स। आपने माइनस 3 एक्स कॉमन ले लिया तो आपको मिला एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स प्लस ऑफ 15, तो माइनस 3 एक्स इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5। ये देखिए आपको तीन रूट मिल गए, एक माइनस 5, एक माइनस 3 और एक आपको मिल गया 0। आप चाहते तो मैक्सिमम मिनिमा बता सकते थे, डबल डेरिवेटिव करते तो माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 48 एक्स माइनस 45, यानी इस पर आपको मिलता अगर 0 रख देते तो निगेटिव, निगेटिव मतलब मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा, तो 3 पॉइंट्स मिल गए। अगर वैल्यू पूछी होती है तो आपको ये पॉइंट क्वेश्चन में पुट करना, मुझे नहीं लगता वैल्यू पूछी, ऑल द पॉइंट ही पूछे थे जो मैंने देखा था, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, राइट। ये देखिए क्वेश्चन कितनी जल्दी कर लिया आपने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन साइन इनवर्स 6x, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एंड साइन इनवर्स 6 रूट 3x। मुझे एक बात बताइए, इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 दिया है, आपको पता है कि साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होता है। अगर ये माइनस पाई बाई 2 दिया है तो एक बात पक्की है कि x पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो पॉजिटिव से निगेटिव तो नहीं मिलता, तो आपका ये आंसर रिजेक्ट, ये रिजेक्ट, बचा ये लगा सकते थे बाय, मतलब अगर आपको कंफ्यूजन था आप वैल्यू पुट कर दो क्योंकि नन ऑप्शन है, तो माइनस 1/12 अगर आप पुट करते तो ये मिलता साइन इनवर्स, देखिए माइनस 1/2 और ये मिलता साइन इनवर्स रूट 3/2, दिस इज माइनस पाई बाई 6 एंड माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। यस और नो, करते मेथड से बिल्कुल हो सकता था, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा के इसे साइन इनवर्स माइनस 1 लिख सकते थे, बट आपको टाइम भी सेव करना। आप, मैं बस यही बोलूंगा जो मेरे साथ जुड़े हुए बच्चे हैं कि आप लोगों को पढ़ने में क्या क्या चेंज लाना चाहिए, और ये सब चीजें जब आती हैं जब आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो, आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो, तो ये अपने आप आपको देख के आइडिया आने लगेगा कि अरे हाँ ये तो कितनी जल्दी हो गया क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन, समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए बॉक्स 1 कंटेन 30 कार्ड, एक बॉक्स है जिसमें 1 to 30 कार्ड है। अब इसमें क्या मिस्टेक हो सकती है बताता हूं, फ्रॉम 1 to 30 एंड बॉक्स 2 कंटेन 20 कार्ड, एक और बॉक्स है जिसमें 20 कार्ड है, ठीक है, मार्क 31 to 50, मार्क 31 to 50। अब इसमें बोला है अ बॉक्स इज सिलेक्टेड, अ कार्ड इज ड्रॉन, ठीक है, इफ द नंबर ऑन द कार्ड इज नॉन प्राइम। अब तक आपने देखा होगा हम प्राइम बोलते हैं, नॉन प्राइम वर्ड बोल दिया, और फिर बोला देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कम फ्रॉम बॉक्स 1। अब हो सकता था बॉक्स 2 आए, हो सकता था बॉक्स 1 आए, तो डिनोमिनेटर में तो दोनों बॉक्स आएंगे, तो बॉक्स 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी, बॉक्स 2 आने की भी ऊपर भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, चाहो तो ना लिखो चलेगा। अच्छा अब बात आती 1 to 30 में कितने प्राइम होते हैं, आपको याद हो मैंने याद करवाया था कि 1 to 25 में 9 प्राइम नंबर होते हैं, 1 to 15 में 15 प्राइम नंबर होते हैं, तो अगर यहां पर 9 होते हैं तो एक प्राइम नंबर और कौन सा हुआ, 29 हुआ, 29 हुआ, तो यहां होगा 10, तो 1 to 30 में अगर 10 है तो फिर 31 से 50 में कितने होंगे, अगर मैं आपसे बोलूं तो भाई सीधा लॉजिक है कि 30, अब आपने 1 to 15 तक 15 है, 10 अलग हो गए तो बचे कितने 5। यस और नो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कैसे, अब आपको नॉन प्राइम वर्ड यूज किया गया तो ये तो प्राइम होगा, तो आप देखें तो इसमें 20/30 होगा, प्लस इसमें कितने होंगे, नंबर 20 है पर होंगे कितने 5, तो 5 नहीं होंगे तो 15/20, नॉन प्राइम बोला है, ध्यान रखना प्राइम नहीं बोला, तो आपने प्राइम तो पता कर लिया और 10 इसमें से माइनस कर दिया तो 29 नॉन प्राइम होगा, 5 इसमें से माइनस कर दिया तो 15 हो गए। अब बॉक्स 1 बोला है तो बॉक्स 1 अगर कौन सा बोला बॉक्स 1 तो बॉक्स 1 ऊपर आ जाएगा बेटा, यही तरीके से हमने पढ़ा था, तो आप ये 1/2 तो कैंसिल कर ही देंगे एक ही स्टेप में। अब आपके पास ऑप्शन है 20/30, नीचे एलसीएम लिया आपने तो 3 और 2 है तो 60 हो गया, तो कितना हो गया बेटा 2 टाइम्स तो 40, 3 टाइम तो 45। यस और नो, ये कैंसिल बेटा 2 टाइम्स, तो ये हो गया कितना 40/85।
एंड 40 अपॉन 85 यानी 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 8 अपॉन 17। यस और नो? कितने सिंपल, आपके थॉट प्रोसेस पे पेपर डिपेंड करता है। आपके साथ में क्वेश्चन कर रहा हूं, जो क्वेश्चन मुझे मिले हैं और सिंपल तरीके से हो सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से अगर पढ़ाई की गई है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना प्यारा क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है। 0 to 2 मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस x। सबसे पहले बताइए, जब मॉड लिखा है, मॉड अपने ब्रेकिंग पॉइंट पे ब्रेक होता है, तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट 1 है। आप बहुत ही सिंपल तरीके से करना चाहे मैं बताता हूं। 0 to 1 में अगर मैं 0.5 रखूं तो क्या मिलेगा? नेगेटिव। इसका मतलब ये मिलेगा 1 माइनस x, माइनस x पहले से, प्लस 1 के बाद बेटा इसका नेचर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो 1 to 2 में ये पॉजिटिव मिला, यानी x माइनस 1 ही मिला और माइनस x पहले से है। अब आप अलग से समझना, ये कैंसिल, बचा 1 मॉड 1। तो 1 to 2 में अगर मैं मॉड 1 को इंटीग्रेट करता तो आप लिखते x 2 1, ये करना नहीं है, तो ये 1 आ गया। अब केवल इस पार्ट को समझिए कि 0 to 1 में 1 माइनस 2x है, इसको हमने रियल लाइन पे करना सीखा हुआ है। ब्रेकिंग पॉइंट क्या हुआ? ब्रेकिंग पॉइंट 0, 1/2 और 1। अलग से मैं बोलूं इसका इंटीग्रेशन करो तो आप बोलते x माइनस x स्क्वायर बाय 2, 2 कैंसिल हो जाता। अब सबसे पहले 0 रखिए तो रिजल्ट 0 मिला, 1/2 रखिए, 1/2 माइनस 1/4, 4 तो ऑब्वियसली 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1/4, और 1 रखिए तो 0। अब आप बोलोगे अपर माइनस लोअर, बिल्कुल ठीक है, 1/4, दिस माइनस दिस, और इनका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो तो ये आ गया 1/2, और एक 1 पहले से था, तो 1/2 + 1 क्या आ गया? 3/2। आपका तरीका, जबकि ये क्वेश्चन कोई बच्चा टाइम भी लगा सकता है, उलझ भी सकता है, कंफ्यूज भी हो सकता है, बहुत ही सिंपल तरीके से पहले इस मॉड के लिए सोचिए, फिर अपने आप अगले के लिए आ जाएगा आपको कंसेप्ट, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आए और आप कितने इजीली कर पा रहे हैं। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको बोला है जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड प्लस अल्फा इज प्योरली इमेजिनरी नंबर एंड मॉड जेड इक्वल टू 82, देन अल्फा बताना है क्या होगा। अब जेड भी रियल हो सकता है, इमेजनरी हो सकता है, अल्फा भी रियल और इमेजनरी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों। मेथड से करेंगे थोड़ा टाइम लग सकता है, लॉजिक से मैं बता सकता हूं। आपको याद हो कि इस तरह के क्वेश्चन आपने कई बार किए हुए। अगर मैं बोलूं 1 - i, 1 + i क्या होता है, तो आप फट से इसको रैशलाइज करते हैं और आप लिखते हैं कितना, 1 - i² / 2, ये मिलता है -2। तो इसका मतलब, अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान ही लेता हूं कि जेड, मान लीजिए जेड 82 है, तो मैं ये मान सकता हूं अल्फा 82 i हो सकता है। अगर मैं ये मान लूं तो देखिए क्या होगा, 82 - 82 i / 82 + 82 i, 1 - i / 1 + i, दिस इज प्योरली इमेजिनरी, यानी 82 बिल्कुल करेक्ट, कहीं उलझने की जरूरत नहीं है, ना सोचने की। बाकी मेथड से करते तो प्योरली इमेजिनरी नंबर की क्वालिटी होती है जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 0, यानी आप इसके कॉन्जुगेट को ऐड करते फिर कंसेप्ट बनाते तो आपसे ये क्वेश्चन मेथड से हो सकता था। पर मेरा सजेशन है, यही चीजें हैं जहां पर आपको एग्जाम में काम आएंगी, ऐसे मेथड से कर सकते थे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या है ये क्वेश्चन, मेरा देखा हो, देखिए इसमें क्या है ये बता देता हूं। 1 + sin x / 1 y (dy/dx) = -cos x, राइट? तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि dy अपॉन, और कुछ कंडीशन दी हुई थी वो भी देखते हुए चलेंगे, है ना? यस, तो आपसे अगर मैं बोलूं तो आप बोलोगे dy अपॉन 1 + y (cos x) / 1 + sin x (dx), इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो log (1 + y) - log (1 - sin x) + c, इधर आया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते थे 1 + y (1 - sin x) = c। क्यों बेटा? अच्छा, आपको y नॉट इक्वल टू 1 दिया है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 पर y 1 है, 1 रख दो, तो 2 = c, c की वैल्यू आ गई 2,
तो एक तरह से हमारे पास इक्वेशन हो गई 1 प्लस वाई इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, या केवल वाई इक्वल टू बोलूं तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स आ गया। यस और नो, ये रिजल्ट रख लीजिए। अब इसके बाद आपको एक और वैल्यू दी है पाई वाई पर ए बेटा, तो पाई की जगह मतलब एक्स की जगह पाई रख दीजिए तो ये जीरो, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, आपने जब यहां पर पाई रखा तो ये जीरो हो गया, तो वाई की वैल्यू आ गई मतलब ए की वैल्यू आ गई 1, क्योंकि वाई इक्वल टू ए दिया जब आपने यहां पर क्या रखा जीरो, तो सॉरी पाई, तो साइन पाई जीरो तो बचा 1, तो ए की वैल्यू 1 इन दो ऑप्शन में थी। अब इसके बाद एक और चीज पूछी, इसका डिफरेंशिएशन भी पूछा है। अब दो तरीके, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन पूछा है और फिर ये पूछा अगर x की जगह पाई बाई टू रख दें तो वो b है, तो b बताना है। अब देखना बेटा, अब दो तरीके, या तो इसको डिवीजन फॉर्मूले से कर लो, या अगर याद हो तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का डायरेक्ट फॉर्म लिख सकते हो टेन स्क्वायर चाहे तो पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप इसको भी करते तो भी देर नहीं लगती, बस करते समय याद रखना जब मैं करूंगा तो पाई रखते हुए चलूंगा, तो 1 प्लस साइन पाई जीरो, 1 यहां पर हुआ माइनस कॉस पाई, कॉस एक्स तो कॉस पाई माइनस 1 होता तो 1 बच गया, माइनस ऑफ 1 माइनस पाई जीरो इंटू कॉस पाई तो फिर कितना आ गया माइनस 1 अपॉन 1 तो कितना आ गया 2। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, बी का 2 ए का 1, तो 1, 2, यानी आप डी बाई बाई डी एक्स भी जो कर रहे हैं वो जितना मेंटल वर्क कर सकते हैं करिए। मैंने क्या किया देखिए, पहले लिखा 1, अब आप क्या करते हैं जब ये लिखते हैं इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस माइनस 1 माइनस साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब आपने क्या करा, x की जगह पाई रखा, जब आपने x की जगह पाई रखा तो साइन पाई जीरो कॉस पाई माइनस 1, यस और नो, तो कॉस पाई माइनस 1 तो 1, यहां पर जीरो खत्म, कॉस पाई माइनस 1 माइनस 1 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। यानी आप जितना मेंटली करेंगे उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, इफ ए बी सी, देखिएगा क्वेश्चन कितना बढ़िया है, इफ ए बी सी आर 3 यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जिनका मॉडुलस 1 हो, ठीक है, मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस मॉड ए प्लस ए माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू एट, देन ये पूछा है। आप मुझे बताइए अगर मैं इसका स्क्वायर आपसे करवाता तो आप यही लिखते ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर ए स्क्वायर फिर सी स्क्वायर, और साथ में आप माइनस 2 के साथ ऐसा लिख सकते थे ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी। लॉजिक से बताओ 1 1 1 ये तो 4 हो गया, अब ए डॉट बी ए बी डॉट सी क्या हो सकता है जिससे ये भी कितना हो जाए 1 और 1 मिलके 2, जब आए 8 आएगा तो कॉस, क्योंकि आपको पता है ये होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, यानी एक बात मुझे समझ में आ गई थीटा पाई है, जब ये -1 -1 होगा, क्वेश्चन खत्म यहीं पर। बाकी इससे भी ट्रिक निकल आएगी, ये निकाल के रख लिया आपने, आप चाहें तो इससे ट्रिक बना सकते हैं, कैसे कि दिस इक्वल टू आपको दिया है, दिस इक्वल टू आपको दिया 8, तो ये 4 हो गया और ये 4 उधर सबट्रैक्ट हो गया, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, या मत करो -2 ए डॉट बी, थोड़ा लिखने में मैं क्योंकि मैं चाहता हूं आपको स्पीड में ही बताऊं, इक्वल टू 4, आप इनकी भी स्क्वायरिंग करने को ही बोला देखो, तो ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, तो आप समझ लो 5 और 5 तो ये आ गया, प्लस इसमें आएगा 4 ए डॉट बी प्लस 4 ए डॉट सी, यस और नो बेटा, 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लोगे तो इसकी वैल्यू है क्या आखिर ये बताइए, ए डॉट बी बी डॉट सी की वैल्यू है क्या, एक तरह से -2, तो आप ऐसा बोल सकते हो 10 प्लस 4 इंटू -2 तो कितना आ गया वैल्यू 2, तो 2 इज अ राइट आंसर। यानी बिल्कुल मेरा एक मानना है कि आपका पढ़ा हुआ अगर अच्छे से है और आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप वही करेंगे जो एकदम दिख रहा होगा कि भाई ए स्क्वायर, ये सब स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab -2ac, उसके अलावा सब कंप्लीट हो गया, आपसे हो गया। बाकी आप एंगल से भी बता सकते थे कि एंगल पाई है, तो यहां पर भी आप वही कंसेप्ट लगा सकते थे, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, यहीं कहीं करेंगे हम इसको एक ही स्टेप में। क्या क्वेश्चन है, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अप टू एक्स पावर एन
माइनस एन अपॉन एक्स माइनस वन 820 दिया है, तो फाइंड वैल्यू एन। अच्छा अगर मैं यहां वन रख दूं तो सब वन होगा, वन प्लस वन एन टाइम, तो एन एन माइनस एन जीरो। एल हॉस्पिटल फॉर्म में डिफरेंशिएशन करोगे वन प्लस टू प्लस थ्री यही मिलेगा, इसका जीरो इसका वन, यानी सिग्मा एन मिलेगा लॉजिकली। तो एन इंटू एन प्लस वन बाय टू इक्वल टू 820, या एन इंटू एन प्लस वन इक्वल टू 1640। 1640 मतलब सीधा सीधा लॉजिक हो गया कितना, 40। क्यों? क्योंकि 40 इंटू 41 जब करोगे तो अपने आप ही आपको 4 एंड 16, 1640 खत्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के कर सकते थे नो डाउट, बट जो चीज इतनी जल्दी हो सकती है। अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर आप पहले ऐसा लिखते, फिर आप x की जगह 1 रखते तो 1 प्लस 2 अप टू n आता, सिग्मा n ये होता है, फिर आप सॉल्व करते। आपकी हर स्टेप, इतना बढ़िया पेपर था कि आप इससे टाइम बचा के फिजिक्स केमिस्ट्री में दे सकते थे, जबकि लोग चुराते हैं। मैं आपको बताऊं सही टेक्निक से आप टाइम बचा सकते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन गिवन बाय, अब देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस, अब देखो एक बात समझना, ट्रिक बताता हूं। ये इलिप्स है और ये लाइन है, ग्रेटर देन, ग्रेटर का मतलब होता अबव द लाइन, लेस का मतलब होता बिलो द लाइन। अगर इसमें देखें तो बाय बड़ा है, तो इस तरह का कोई इलिप्स होगा, ठीक है, ये हो गया। अगर इसकी लाइन को थोड़ी देर के लिए एक बार पॉजिटिव वाली लें, सब इक्वल टू मान के कर दो आप, तो एक्स का इंटरसेप्ट 2 है, वाई का 0.3 है, मतलब ये लाइन हो गई। तो लाइन में ऊपर वाला इसमें ये, तो ये निकालना है। अब देखो कैसे निकालोगे, ये एक राइट ट्राइंगल है, सबसे पहले एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, पाई ए बी, तो पाई इंटू 2 इंटू 3 6 पाई, बट ऐसे चार पार्ट है, अभी हम केवल इस पार्ट का निकालना है, तो क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 4, ठीक है वो बाद में कर देंगे, क्योंकि बाद में हम 4 का मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब इस वाले पार्ट का एरिया कैसे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ ए इंटू बी, तो 2 इंटू 3, तो 3 आ गया, यस और नो। अब आपको केवल मैं इस वाले पार्ट के एरिया की बात करूं तो आप बोलते बाय 4 करते, तो आप लिखते 3 पाई बाय 2 माइनस ऑफ 3, यस और नो, माइनस ऑफ 3। तो एक तरह से आप ऐसा बोल सकते थे 3 पाई माइनस 6, ऐसा एक पार्ट का एरिया निकलता है ना, ऐसा एक पार्ट का एरिया निकलता कितना, एक मिनट, इसका एरिया हो गया हाफ 2 इंटू 3, 2 से 2 कैंसिल तो 3, और ये एरिया था पाई इंटू ए बी, तो ठीक है पाई इंटू ए बी यानी 6 पाई अपॉन, क्योंकि फोर्थ पार्ट है तो 3 पाई बाय 2, यस और नो। तो 3 ऐसा भी रहने दे सकते थे आप चाहो तो, 3 पाई बाय 2 माइनस 3, इसमें आप किसका 4 टाइम्स टोटल हो जाता तो 4 टाइम कर देते, तो 3 पाई बाय 2 माइनस 3, तो जब 4 टाइम का करते तो 6 पाई माइनस 12, देखो कहीं है, यस 6 पाई माइनस 12 इज अ राइट आंसर। यानी पेपर को कैसे हैंडल करना है ये आपके हाथ में, आपने कहीं इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं, इसको भी मैंने इसलिए नहीं लिखा कि जरूरत ही नहीं, 4 का मल्टीप्लाई करना था, कहीं इंटीग्रल का रोल ही नहीं, कंसेप्शुअली कितने स्ट्रांग हो उस पे पेपर डिपेंड करता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव टर्म ऑफ जीपी, पॉजिटिव बोला है तो आर ग्रेटर देन 0 होगा, द सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव टर्म ऑफ अ जीपी इज एस, ठीक है, मतलब ए बाय आर प्लस ए प्लस ए आर, ये एस है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 27, ए बाय आर ए ए आर, ये 27 है, तो आर क्यूब हो गया 3, तो मतलब आर 27, आर क्यूब सॉरी ए क्यूब, सॉरी बेटा ए क्यूब हो गया 27, तो ए हो गया 3। आप ऐसा बोल सकते थे एक ही जगह 3 प्लस 3 कॉमन ले लो, तो आर प्लस 1 बाय आर, आपने कई बार पढ़ा है आर प्लस 1 बाय आर की मिनिमम वैल्यू होती है 2 या 2 से ज्यादा, दुनिया की कोई भी वैल्यू रख दो, तो अगर 2 भी मान ले हम तो 3 प्लस 3 इंटू 2, राइट, तो मतलब ये इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आपने पढ़ी है, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू होती है आर प्लस 1 बाय 2, तो ये कितना हो गया बेटा 3 प्लस 6, तो ये आ गया 8, राइट, तो आपको वैल्यू मिल गई कितनी हो सकती है, मुझे लगता है मिनिमम वैल्यू ऑफ एस पूछा होगा, क्योंकि मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकती है,
मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स होना चाहिए था, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एस, क्योंकि आर आपको बोला हुआ है पॉजिटिव है। नोट करिए क्वेश्चन को, क्लियर है क्वेश्चन? तो आप देख लीजिएगा मिनिमम मैक्सिमम, पर आपको यह पता है कि आर प्लस वन बाय आर जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू टू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड मदर, डिक्शनरी प्रॉब्लम है। इफ ऑल द वर्ड आर लेटर मदर रिटन इन अल्फाबेट ऑर्डर, अब आपको पता है इसमें सबसे पहले क्या आएगा, ई, मतलब आपको जिस ढंग से पढ़ा है वो, फिर एच, फिर एम, फिर ओ, फिर आर, फिर टी। अब आपको यह भी पता है कि अगर सिक्स लेटर का वर्ड बनाना है तो फैक्टोर सिक्स यानी 720 टोटल वर्ड बनेंगे, पर पहले प्लेस पर एम चाहिए, तो सीधा सा लॉजिक है 1 2 3 4 5 6 कि ई और एच वाले आपके काम के नहीं है, तो ई और एच वाले कितने होंगे, तो 2 × 5 4 3 2 1 यानी 240। 240 से बड़ा आंसर, सभी 240 से बड़े काफी नियर है। फिर M आएगा, M को कट कर दो, तो M के बाद क्या आना चाहिए, पहले आएगा E और फिर H, फिर वो आएगा, तो ये भी आप देख लीजिए, पहले क्या आएगा EH, तो 2 × 4 3 2 1 48, ये भी नहीं हो सकता, लीव दिस। अब O आ गया, O को कट करा, ये जो जो हम लेते जा रहे हैं वो कट करते जाएं अल्फाबेटिकली, तो एम ओ दो फिक्स हो गए। एम ओ के बाद आपको ई एच और आर वाले नहीं चाहिए, तो 3 3 2 1 6 × 3 18, ये 18 भी, ये ऐड करते चलना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जब हम ये ऐड करते हैं तो 306 से बड़ा आंसर होगा, तो ये खत्म, ये भी खत्म। अच्छा, अब एम ओ के बाद आपने ई एच आर, अब टी ले लिया, तो ये तीन लेटर मिल गए। अब क्या आएगा बेटा, ई एच और आर, ऐसा बोल सकते हैं ये हो गया 306 तक पहुंच गए आप, तो अब आएगा कितना, पहले आएगा ई, ई के बाद आएगा एच, तो ई वाले कितने होंगे अगर देखें तो केवल 2 होंगे, तो 2 और ऐड कर दो, तो 308, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, पहले ही कर दिया था। अब ई भी नहीं, तो एम ओ टी, E को तो हमने पहले ले लिया, उसके बाद क्या आएगा H, H के बाद क्या आएगा ऑब्वियसली E, E के बाद R, तो एक और ऐड कर दिया 309। तो जो वर्ड प्रॉब्लम का कंसेप्ट समझाया था डिक्शनरी का, बिल्कुल उस पे था, और ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, अगर इसका हो सकता आप में से कई लोगों को आंसर भी याद हो, पर आप अरेंज करते तो आप इजीली निकाल सकते थे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ प्लेन पासिस थ्रू 2 1 2 1 2 1 एंड पैरेलल टू द लाइन, देन प्लेन ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट, प्लेन और किस पॉइंट से पास होगा, प्लेन अगर किसी पॉइंट से पास होता तो आपको पता है ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम ले सकता है ये क्वेश्चन। तो पहले तो ए इंटू एक्स माइनस टू, बी इंटू वाई माइनस वन, प्लस सी इंटू जेड माइनस टू, दिस इक्वल टू जीरो, ऑल्सो पासिंग थ्रू 1 2, तो आप बोलोगे माइनस ए 2 रखा तो प्लस बी एंड 1 रखा तो माइनस सी इक्वल टू जीरो, या ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, और बोला एंड पैरल टू द लाइन, अगर प्लेन लाइन के पैरल है तो प्लेन का नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर होगा, तो इसके डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लाई जीरो होगा। तो आप बताओ पहले प्लेन की इक्वेशन क्या है, एक्स अपॉन टू 1/2, ऐसा बोल सकते, ऐसा लिख सकते हो आप इसे चाहो तो, एक्स अपॉन 3 इक्वल टू वाई अपॉन 2, ये जेड माइनस 1 इक्वल टू 0, तो जेड माइनस 1 अपॉन 0, तो इसका इसके साथ डॉट मल्टीप्लाई 0, तो आप ऐसा लिखोगे 3a प्लस 2b प्लस 0c इक्वल टू 0, सॉल्व करो, a अपॉन माइनस 2, b के साथ किया 3 एंड c के साथ किया तो 2 प्लस 3 5, ये abc आ गया, यहां रख दीजिए बेटा, इसमें रख दीजिए, तो आप क्या होगा बोलो, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, बी की जगह 3 इंटू वाई माइनस 1, सी की जगह 5 इंटू जेड माइनस 2, दिस इक्वल टू 0। अब ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट बोला है, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है ये देखना पड़ेगा, इक्वेशन कुछ ऐसी आएगी माइनस 2x प्लस 3y प्लस 5z, माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 3 माइनस 10,
है ना, तो माइनस 13 तो प्लस 9 हो जाए, माइनस 9 होगा। अब इस ऑप्शन को जो सेटिस्फाई करे वो करेक्ट आंसर है। देख लीजिए ए कर रहा है कि नहीं, माइनस 12 तो 12 प्लस 6 ये जीरो नहीं कर रहा है। बी पे आओ, माइनस 12 माइनस 12 माइनस 6 ये भी नहीं कर रहा है। सी पे आओ, माइनस प्लस 4 हो गया ये जीरो, ये प्लस 5 हो गया और ये माइनस 9 यही कर रहा है, ये कर रहा है ना। आपने आंसर निकाल लिया, यानी किस ढंग से क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं ये आपके हाथ में बेटा, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। लेट ए बी सी आर द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर सच दैट, ठीक है ए बी सी अर्थमेटिक मीन है दो नंबर के, मान लो एक्स वाई के, और ये बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी 15 है, ओके पी क्यू आर हार्मोनिक मीन है इन्हीं नंबर के, पी क्यू आर हार्मोनिक मीन है, ठीक है सेम नंबर, सच दैट 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू प्लस 1 अपॉन आर इक्वल टू 5/3 देन द नंबर। अब एक बार बताओ आप इन दो नंबर के, मैं आपको टेक्निक बताता हूं, ये अर्थमेटिक मीन है तो ये भी तो एपी में है ना, तो मैं अगर बोलूं कि ए बी सी एपी में है तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी ना, तो अगर मैं 2 ए प्लस सी की जगह 2b रख दूं तो b मिल गया मुझे 5, और अगर b 5 मिल गया तो a प्लस सी कितना मिल गया बेटा 10, तो अगर मिडिल मोस्ट नंबर 5 है तो 3 और 7 ये हो सकता है ना, तो हो गया काम 3 5 7, तो इसके आगे 1 और इसके आगे 9 हो सकता है, तो या तो नंबर 1, 9 होंगे या 9, 1, देखो एक ऑप्शन में है खत्म। अब चाहे तो आप इसको क्रॉस चेक इससे कर सकते हो, बट क्या जरूरत है जब ए प्लस बी प्लस सी 15 से ही क्वेश्चन हो गया। जहां पर आप लॉजिक से क्वेश्चन कर सकते हैं वहां मेथड की जगह लॉजिक अप्लाई करो, आपको उसका फायदा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब, ये भी करा हुआ क्वेश्चन है, और देखिए आपको याद होगा इसमें सिंपल अगर मैं बोलूं x माइनस वाई का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, आपको एक सेकंड में समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि जैसे ही आपने x माइनस वाई का मल्टीप्लाई किया तो ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बनता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्वेश्चन करेक्ट वो x4 5 4, तो इसका मतलब आपके पास एक तरह से कुछ ऐसी सीरीज होंगी, एक होगी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स फोर जो इनफाइनाइट जीपी इनफाइनाइट तक दी है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई, क्वेश्चन क्रैक। अब इसका एलसीएम ले लो, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अलग लिखूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा बचेगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई कॉमन ले लो तो एक्स माइनस वाई या सो नो अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कैंसिल, तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई, जितनी स्टेप बचा सकते हो बचाओ, कहां है ये लिखा देखो, क्वेश्चन क्रैक। यानी सही अप्रोच कितनी जल्दी क्वेश्चन करवाती है, क्लास में करे हुए क्वेश्चन होंगे मैं बिल्कुल श्योर हूं, आप गाइड सॉल्व करने में लगे जबकि कंसेप्ट बना के पढ़ लो तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इफ अ लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू k टचिंग द सर्कल, काफी इजी क्वेश्चन हो गया, सेंटर है 1 2, रेडियस होगा 1 प्लस 4 माइनस 4 1, टचेज द सर्कल देन द वैल्यू ऑफ k, तो इस पे परपेंडिकुलर डाल दो तो 3 प्लस 4 माइनस k अपॉन 8, सॉरी 3 2 1 2 से डालना तो 3 प्लस 8 माइनस k अपॉन रूट ऑफ 5 वो 25 इक्वल टू 1, तो 11 माइनस k इक्वल टू प्लस माइनस 5, तो एक बार प्लस ले लीजिए तो k इक्वल टू 16 नहीं k इक्वल टू 6, और एक बार माइनस ले लीजिए तो k इक्वल टू 16, तो इन दोनों में से कोई एक, तो 16 दिया तो ये ले लीजिए। इज दैट क्लियर, कितना सिंपल अच्छा क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए पहले दिखा दूं, ये सब क्वेश्चन आपने देखे होंगे।
वन प्लस साइन पाई बाय नाइन प्लस आयोटा कॉस टू पाई बाय नाइन, नहीं नहीं ये दोनों सेम होंगे, वन प्लस कॉस टू पाई बाय नाइन ही होगा यहाँ पे भी, और ये भी टू पाई बाय नाइन, वन प्लस साइन टू पाई बाय नाइन प्लस आयोटा कॉस टू पाई बाय नाइन, वन प्लस साइन टू पाई बाय नाइन माइनस आयोटा कॉस टू पाई बाय नाइन, ये ऐसी मिस्टेक हुई होगी। अब सुनिए, आप होल क्यूब है तो होल क्यूब है तो इसका मतलब हम इसमें डी मार्गस लॉ लगा सकते हैं, बट ये कॉस होना चाहिए साइन। कैसे बनाएंगे भाई, कॉस साइन टू पाई बाय नाइन को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं लिखना चाहूं तो कॉस पाई बाय टू, अब पाई बाय टू तो 80 लिख दो, 18 तो 9 माइनस 5 ले लूं मैं तो देखना कितना होगा, ये होगा 9 पाई माइनस 5 पाई, 4 पाई बाय 18, यस हो गया। तो देखो बेटा आप इसको क्या लिख सकते हो, आप समझना बहुत ध्यान से, 1 प्लस ये मतलब ये साइन ही था, ये साइन, तो साइन 1 प्लस कॉस 5 पाई बाय 18 प्लस सेम वही की वही आयोटा साइन 5 पाई बाय 18 यानी इक्वल होगा अपॉन 1 प्लस कॉस 5 पाई बाय 18 क्यूब बाद में कर देंगे प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 18। सबसे पहले ये हुआ काम। अब देखो क्या हुआ, ये होने के बाद आप मुझे बताइए 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 तो 5 पाई बाय 36 प्लस आयोटा 2 साइन 5 पाई बाय 36 कॉस 5 पाई बाय 36, यस और नो बेटा, अपॉन 2 कॉस स्क्वायर 5 पाई बाय 36 माइनस, या माइनस था बेटा, कहीं ऐसी मिस्टेक हो गई हो तो थोड़ा ध्यान रखना, माइनस आयोटा 2 साइन 5 पाई बाय 36 कॉस 5 पाई बाय 36, 2 कॉस 5 पाई बाय 36 कैंसिल, तो आपके पास एक तरह से ऐसा मिला कॉस, बताना कितना, कॉस 5 पाई बाय 36 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 36 अपॉन कॉस 5 पाई बाय 36 माइनस आयोटा साइन 5 पाई बाय 36 की पावर 3, ऐसा क्वेश्चन बचा एक तरह से। अब अगर मैं यहां 3 ले लूं, 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो एक तरह से कॉस 5 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 12 अपॉन कॉस 5 पाई बाय 12 माइनस आयोटा साइन 5 पाई बाय 12 बचेगा। अब पाई बाय 12 मतलब होता है 15 डिग्री और ये 5 है, तो आप दो तरीके हो सकते हैं इसको, या तो हम रैशनलाइज कर लें, है ना, इसको हम या तो रैशनलाइज कर लें क्योंकि, या फिर इसको भी इसमें भी डी मार्गस लॉ लगा सकते हैं ऊपर माइनस 1 तो ये 10 पाई बाय 12 हो जाएगा, यही चीज ऐसी हो जाएगी, मैं बता देता हूं कॉस 10 पाई बाय 12 क्योंकि ये पावर ऊपर गया तो एक तरह से माइनस 1, माइनस 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस होने पे ये जुड़ जाएंगे एंगल, तो 10 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन 10 पाई बाय 12, 10 पाई बाय 12 का मतलब है कॉस 5 पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 6 यानी 150, तो माइनस 150 180 माइनस 30 माइनस रूट 3 बाय 2 प्लस आयोटा बाय 2। देखिए कितने बढ़िया तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया डी मार्गस लॉ लगा के। ये कुछ क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन छूट गए क्योंकि जो क्वेश्चन बिल्कुल मुझे सही लगे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, बचे हुए क्वेश्चन भी बाद में हम डिस्कस करेंगे, बट आपका पढ़ने का तरीका अगर थोड़ा सा आप लॉजिकल तरीके से पढ़ें, कंसेप्ट बना के पढ़ें, तो आप बहुत अच्छा पेपर दे सकते हैं। तो बचे हुए जितने दिन में पेपर होने वाले जेई के, ये सेशन आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत ही पॉजिटिव माइंड से जाइए, इसी तरह के पेपर आएंगे क्योंकि लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड टेक केयर।